बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप अपने माह रमज़ान में बेहतरीन तरीके से इल्म भी हासिल कर रहे होंगे, खुदा की ज़ात को भी राज़ी कर रहे होंगे और अपने घर वालों के साथ अपनी सेहत की भी खैरियत ले रहे होंगे। आज हमारे पास पास्ट का सेकेंड टेंस है, यानी कि पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसका कंसेप्ट ये है कि इसमें ज़माना माजी में काम का जारी होना पाया जाता है, यानी कि जो काम हमने को माजी में शुरू किया वो शुरू होके अभी जारी था, ख़त्म नहीं हुआ। लिहाजा इसकी पहचान ये होती है कि उर्दू फिक्र क्या हमने रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आता है। मिसाल तौर पर वो जा रहा था, ही वॉज गोइंग, वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, वॉज एंड वर्ब। वॉज के साथ जो सब्जेक्ट आएंगे वो आए, ही, शी, इट, नेम। वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट आएंगे वी, यू, दे। सिंपल सेंटेंस में, और हमें पता है कि जब भी हम कॉन्टीन्यूअस टेंस होगा वहां पर हमेशा फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब हम सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज और वर के बाद नॉट लिख देंगे, और जब हम फिक्रे को इंट्रोगेटिव यानी कि सवाल बनाएंगे तो वॉज और वर को फिक्रे के शुरू में जाएंगे। एग्जाम्पल देखें, ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। ही वॉज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा था, यानी कि वॉज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लिख दिया है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज और वर्ब को शुरू में लिख देंगे, वॉज ही गोइंग, क्या वो जा रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये टेंस आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। इसके पेजेस आपके नोट्स आपकी ग्रामर के रिस्पेक्टिव पेजेस में मौजूद हैं, और इंशाल्लाह आपने इसकी रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी है, इसका मेथड भी याद करना है। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।